हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में एंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में भी। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है एंड आज के इस लेक्चर में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर उसमें सब्जेक्ट्स के कौन कौन से हैं, कौन कौन से न्यूली सब्जेक्ट्स एड हो रहे हैं एंड कौन कौन से हमारे फोर्थ सेमेस्टर के पे ही अकॉर्डिंग हैं एंड उसका मार्क्स पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, मीन्स रिकमेंडेड बुक्स क्या हैं आपके हर सब्जेक्ट्स के लिए एंड क्या है आपके लिए, क्या इसमें नया है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या टिप्स हैं, इन सभी को आज हम इसमें बताने वाले हैं। सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके पूरे बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर को क्या है अच्छा बना देगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें क्या है, उसमें भी हमारे 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं एंड इसमें 2 सब्जेक्ट हमारे न्यूली इंक्लूड हो रहे हैं। एक हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट एंड फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। तो ये हमारे क्या है, इसमें जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है उसमें थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कम्बाइंड है एंड हमारा फार्मास्यूटिकल जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो क्या है, एक थियरिटिकल सब्जेक्ट है हमारा। एंड हमारे 3 सब्जेक्ट इसमें जो है क्या, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, फार्माकोलॉजी सेकेंड एंड फार्माकोगनोसिस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड। ये क्या है, हमारे प्रीवियस पे ही है, जैसे हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट थी, फार्माकोलॉजी फर्स्ट थी एंड फार्माकोगनोसिस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट थी, उसी का क्या है, ये सेकेंड है। मीन्स इसमें क्या है, जो जो कुछ उसमें रह गया था, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री आपने पढ़ा था उसमें जो भी स्टार्टिंग से लेकर था, जो भी हमारे सिस्टम रहे, हमारी बॉडी सिस्टम से कुछ भी जो छूटा था, आप उस क्या है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड में उसको पढ़ेंगे एंड इसका मार्क्स पैटर्न क्या होगा। एंड आपको हम बता दें कि हमने फार्माकोलॉजी वैसे स्टार्ट भी कर दिया, फार्माकोलॉजी सेकंड का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। सो आपको जो सेकंड सब्जेक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम साथ में लेकर चलें एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपको सभी जो हम आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी के लेक्चर साथ में ही प्रोवाइड कराए जाएँ। एंड फार्माकोलॉजी सेकेंड जो हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो जो सेकेंड वन सब्जेक्ट है वो आप कौन सा चूज करना चाहेंगे उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कौन सा लेक्चर चाहिए, जो आप चूज करेंगे हम उसी को स्टार्ट करेंगे सेकेंड के तौर पे एंड हम ट्राई करेंगे कि आपको सभी सब्जेक्ट का लेक्चर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराते चलें। सो इसके मार्क्स पैटर्न की बात करें तो आपका थ्योरी पर डिपेंडेबल होता है 500 मार्क्स, जो कि क्या होता है 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट। तो आप में इसमें क्या है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स की क्या है थियोरेटिकल हैं एंड जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको क्या है, प्रैक्टिकल इसमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं, उसमें कौन कौन सा है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड एंड फार्माकोगनोसिस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। ये क्या है आपके थियरी एंड प्रैक्टिकल में, थियरी कम प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, दोनों टाइप्स इंक्लूडेड हैं। तो आपका जो है प्रैक्टिकल जो होगा वो है 150, मीन्स 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे 3 आपका है तो 50 मार्क्स क्या है आपका, 3 सब्जेक्ट है 50 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। एंड क्या है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर में एक थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का ऐड हो रहा है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, उसमें ट्रेनिंग करनी है, जो कि क्या होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको जैसे जाएंगे थोड़ा वाउंड हीलिंग वुलिंग जो होता है एंड जो अपर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी सबको आपको सीखना है, कैसे क्या अटेंड करते हैं, जो आपका पेशेंट आता है उसको कैसे अटेंड करते हैं, उसको आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग में सीखेंगे। आप इसके लिए हॉस्पिटल जाएंगे, आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा जिससे आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जब आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग इन करेंगे, मीन्स उसको जब 45 डेज का होगा उसको आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेशन देगा। सो सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात करें कि कौन कौन सी हमारी बुक्स इंक्लूड हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारी सेकेंड है, उसका क्या है अकॉर्डिंग टू PCI जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो अकॉर्डिंग टू PCI जो भी है तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली फॉर AKTU स्टूडेंट। यहाँ पर क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड SAR, जैसे आप प्रीवियस में पढ़ रहे थे, हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो जो भी उसमें छूट गया था, जैसे उसमें रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फिर एड्रेनर्जिक ड्रग्स, तो यहाँ पर जैसे एंटीहिस्टामिनिक एजेंट, मीन जो कुछ छूट गए थे उनको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसका हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एज प्रीवियस ही ये आपका रहेगा, क्योंकि जो भी छूट गया था आप उसी को पढ़ने वाले हैं। एंड बुक्स की अगर हम बात करें, बुक्स क्या है इसके लिए, BK कपूर एंड हरकिशन सिंह की जो है बुक है हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ी है। ये क्या है, थोड़ा ईजी लैंग्वेज में है, आपको
सफिशियंट मटेरियल देता है। एंड विल्सन्स एंड स्वॉर्ड्स की क्या है, मैं केवल रॉयटर का नाम दे रहा हूँ, एंड विल्सन्स एंड स्वॉर्ड्स की जो बुक है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको अगर बता दें, जैसे बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं पीबी के लिए, तो पीबी आपके लिए रहेगी, पीबी आपके लिए साइड ऑप्शन रख सकते हैं आप हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पीबी में आपको क्या है मिल जाते हैं सभी पॉइंट्स एक ईजिली मिल जाते हैं। तो पीबी में अगर हम बात करें तो पीबी में सभी पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि पीबी की बुक मिस अच्छी नहीं होती, बुक सभी अच्छी होती हैं, लेकिन आप पीबी को साइड ऑप्शन लेकर चलें तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड इन सब बुक्स को पढ़ें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि अभी आपको केवल बी फार्मेसी के आगे भी कुछ करना होगा। एंड सेकेंड क्या है हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी BP 502T, एंड इसका है एक प्रैक्टिकल भी डिपेंडेंट, प्रैक्टिकल की भी बुक है, इसमें आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। ये क्या है, रिलेट करती है फार्मास्यूटिक्स से एंड आल्सो रिलेट्स टू इंडस्ट्रियल वर्क। जैसे आप इंडस्ट्री, अगर कोई भी हमारा कोई भी स्टूडेंट इंडस्ट्री जाना चाहते हैं प्रोडक्शन में, तो वहाँ पर क्या है ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। एंड ये क्या है, फार्मास्यूटिक्स से रिलेट करती है। फार्मास्यूटिक्स से ये कैसे रिलेट करती है, क्योंकि आपने फार्मास्यूटिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है उसमें आपने पढ़ा था टेबलेट्स है, कैप्सूल्स क्या होते हैं, तो इन्हीं का जो फार्मुलेशन है, इनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं कुछ भी, जो जैसे कोई भी पेशेंट का कैप्सूल खाता है, टैबलेट खाता है, कोई भी दवा खाता है, पैरासीटामोल होगी, तो उन सबको हम कैसे बनाते हैं उसी को आप इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, वो आपके लिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप उसी को पढ़ने वाले हैं। एंड इसके लिए रिकमेंडेबल जो बुक हमारी होगा फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स बाई लिबरमैन एंड एसए लक्ष्मण, ये इसका आपका है तीन वॉल्यूम्स है, मीन्स वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड एंड वॉल्यूम थर्ड, आप इन तीनों को चूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एंड पीबी तो आपके लिए साइड ऑप्शन, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा पीबी आप साइड ऑप्शन पे लेके जरूर चलेंगे, क्योंकि जैसे जो कुछ कहीं नहीं मिल रहा है वो आप पीबी में देख सकते हैं, एंड नहीं समझ में आ रहा कोई भी इस टाइप की सब्जेक्ट बुक से, तो उसके लिए भी आप पीबी चूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है हमारी फार्माकोलॉजी सेकेंड BP 503T, ये भी क्या आपका थियरी कम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एंड इसमें क्या है, जैसे आपने फार्माकोलॉजी फर्स्ट पढ़ी थी उसमें सभी, जैसे क्या आता है फार्माकोलॉजी में कुछ भी जितना कुछ आपने पढ़ा था उसमें एड्रेनर्जिक उसमें भी सब कुछ था, लाइक मेडिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ही था, तो वहाँ पर क्या है ड्रग्स एंड उसकी कैटेगरी क्या होती है वो भी, ये भी क्या आपकी एज लाइक प्रीवियस इसमें ये भी रहेगा फार्माकोलॉजी सेकेंड भी, जो कुछ भी जिसे नहीं हो पाया था उसमें हमारा फार्माकोलॉजी फर्स्ट में रह गया था उसको आप पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी सेकेंड में, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव क्या है ये सब जो ये भी कुछ है, एंड जो आप ग्लाइकोस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो था कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या है, इसका लेक्चर हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है, मैं एक बार फिर करना चाहूँगा, जो सेकेंड सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सेकेंड सब्जेक्ट में किसका लेक्चर, किस सब्जेक्ट का लेक्चर चाह रहे हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मेडिकल केमिस्ट्री का ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए नेक्स्ट सेकेंड वन है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि फार्माकोलॉजी सेकेंड मेडिकल केमिस्ट्री सेकेंड ये दोनों थोड़ा टफली सब्जेक्ट हैं आपको लगेंगे, लेकिन हमारे लेक्चर को आप देखते चलिए आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, इसके लिए हम बुक क्या है ऑल इन वन KD त्रिपाठी, मीन्स ये क्या है हमारी सबसे अच्छी सबसे बेस्ट बुक है हमारी फार्माकोलॉजी सेकेंड के लिए। एंड क्या है फार्माकोलॉजिकल बेसिस बाय गुडमैन एंड गिलमैन, ये क्या है आपकी दूसरी बुक हो जाएगी आप अगर चूज करना चाहें तो, नहीं तो मैं क्या है KD त्रिपाठी ही चूज करूँगा। एंड साइड ऑप्शन क्या है आपकी लिप PB हो जाएगा। यहाँ पर क्या है फार्माकोगोनोसिस फाइटोकेमिस्ट्री है सेकेंड, हमारी क्या है फोर्थ सब्जेक्ट है बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का B 504T, जो क्या है ये भी क्या है हमारा थियरी कम प्रैक्टिकल बुक सब्जेक्ट है, इसका है डिटेल्स अबाउट फाइटोकेमिस्ट्री। जैसे आपने फार्माकोगोनोसिस फर्स्ट में क्या है हमारी ड्रग्स क्या होती है उनका प्रोडक्शन, जैसे क्रीव ड्रग्स क्या है, मैं थोड़ा जैसे इंट्रोड्यूस ही पढ़े थे फार्माकोगोनोसिस का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, एंड थोड़ा बहुत आपका आया था जैसे फिफ्थ यूनिट की बात करें उसमें, तो उसमें आपको मिला था कि जैसे हमारी कोई भी ड्रग्स हैं वो कहाँ से जैसे पौधे से प्रोड्यूस की गई तो उनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट क्या है फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये क्या है बहुत उसमें मिला नहीं था। और यहाँ पर क्या है आप डिटेल्स में उसी को पढ़ने वाले हैं, जैसे डिटेल्स अबाउट फाइट जो आपका फाइटोकेमिस्ट्री था उसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसमें फाइटोकेमिस्ट्री के लिए शायद आपको एक यूनिट ही मिल जाएगी। एंड क्या है समथिंग रिलेट्स टू बायोकेमिस्ट्री, ये क्या है बायोकेमिस्ट्री में मैंने इसको क्यों रिलेट किया, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था बहुत बहुत स्ट्रक्चर्स होते थे,
एंड उसका क्या है साइकिल भी होती है। तो यहाँ पर फार्माकोनोसी में आपको इस बार कुछ साइकिल्स भी मिलने वाली है, जैसे जो जैसे उसमें क्या था सिट्रिक एसिड साइकिल, बहुत बहुत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए साइकिल होती थी। तो यहाँ पर फार्माकोगनोसी में आप थोड़ा बहुत उसको भी पाएंगे, क्योंकि इस बार आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये इस बार की थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा फार्माकोगनोसी और फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड के लिए। इसके लिए टेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो ये हमारी बुक्स जो रिकमेंडेबल बुक है इसके लिए टेक्स्ट बुक बाई सी के कोकाटे, ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक्स होगी। पुरोहित जी एंड इसका क्या है 37 जो है एडिशन है वो आप ले सकते हैं। एंड मोहम्मद अली CBS पब्लिशर जो मोहम्मद अली की बुक है उसको भी आप इसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक भी बहुत अच्छी है आपके फार्माकोगनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा जो सबसे लास्ट सब्जेक्ट है बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का, वो क्या है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस प्रूडेंस, ये का क्या है थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आप क्या पढ़ने वाले, ये क्या है न्यूली एडेड सब्जेक्ट है एंड थोड़ा जैसे आप विधि विधान जैसे कुछ जस्टिस टाइप का पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमन के लिए रूल्स होते हैं तो इसे भी क्या है फार्मासिस्ट के लिए भी रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप उसी को पढ़ने वाले रूल्स रेगुलेशंस एक्ट फॉर फार्मासिस्ट, मीन्स किसी भी कुछ भी जैसे करना है आप इंडस्ट्री में आते हैं उसके लिए भी आपको रूल्स है और कौन कौन से जैसे फॉर्मुलेशन के लिए क्या क्या एक्ट पास किए गए हैं उन सभी को आप इसमें पढ़ने वाले हैं। क्या एक्ट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, आप इसमें केवल उसी को पढ़ने वाले हैं। जैसे ये थोड़ा वो हो जाता है ज्यूरिस प्रूडेंस मीन्स जैसे न्याय न्याय जैसे आप न्याय टाइप का सोच लीजिए, जैसे हमारा क्या है अगर शॉर्ट फिल्म हिंदी में बात करें तो हमारा होता था नागरिक शास्त्र मीन्स उसमें आप पढ़ते थे संविधान, तो यहाँ पर वही होने वाला जैसे क्या है हमारा फार्मासिस्ट के लिए क्या संविधान है, क्या नियम है, क्या कानून है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। वैसे इसमें आपको एक्स होते हैं यही सब आपको पढ़ना है। इसके आप लिए आप बुक क्या है चूज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ फोरेंसिक फार्मेसी बाई BM मित्तल, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस प्रूडेंस के लिए। एंड टिप्स की अगर हम बात करें कि आपको कैसे पढ़ना है तो टिप्स में क्या है आपको पहले तो आप लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर्स क्या है आपके लिए बहुत अच्छे फायदेमंद होंगे, क्योंकि आप एक बार जब कोई चीज़ आप सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। एंड नेक्स्ट में आप ले सकते हैं कि आप सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि आप सेल्फ नोट्स ही, तो यहाँ पर मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ नोट्स बनाएं एंड लेक्चर्स को देखते हुए सेल्फ नोट्स बनाएं एंड बुक्स को क्या जब आप कुछ उसमें न्यूली एड करेंगे, जैसे आपने लेक्चर देखा उसको समझ लिया फिर आपने बुक्स से थोड़ा बहुत देख के आपने अपना नोट्स बनाते हैं तो वो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कुछ भी हो आपको आसानी से आपके माइंड में बैठ जाता है। एंड रीड स्टैंडर्ड्स अ इजी लैंग्वेज बुक्स, जैसे मैंने आपको बुक्स वो बताई हैं कि ये बुक्स बहुत ईजी लैंग्वेज में है, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स हैं जैसे आप अगर हम बात करें थोड़ा निराली प्रकाशन की बात करें तो उसमें क्या है थोड़ा लैंग्वेज घुमा फिरा के होता है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एंड मेक्स सेल्फ नोट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप इसको जरूर फॉलो करें, आपके अपने लिए सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। एंड अटेंड अवर लेक्चर्स एंड नोट डाउन द नोट्स, जो हमारे लेक्चर्स हैं उनको क्या अटेंड करने के बाद आप क्या करें नोट्स को क्या लिखें, ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी उसका हार्ड कॉपी निकलवा लिया फोटो कॉपी निकलवा लिया तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे। अगर आप उसको एक बार रिटर्न कर लेते हैं लेक्चर देखने के बाद तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू एडिशन इन योर सेल्फ नोट्स, आप अगर सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं बनाएंगे या आपके और पढ़ना ही चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत प्लस पॉइंट होगा। तो उसमें क्या है आप बुक्स को पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ उसमें नया ऐड करें, जैसे कुछ भी आपको नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा छूट गया है सर ने कम बताया है तो आप उसमें थोड़ा कुछ नया ऐड करें अपनी तरफ से। एंड डू स्मार्ट सा फास्ट एड्स वर्क, क्योंकि आपका बी फार्मेसी जो फिफ्थ सेमेस्टर है वो थोड़ा लेंदी है, आप फार्माकोलॉजी के ले लीजिए वही बहुत लेंदी हो जाता है, तो यहाँ पर आप क्या स्मार्ट वर्क करें और फास्टेस्ट वर्क करें और हम आपके लिए लेक्चर्स को यार जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप फ्रेंड्स के लिए शेयर करें फ्रेंड्स के साथ कि आपको सभी को पता चल सके कि क्या है बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको इन सभी को देखते हुए चलना है जो हमारे बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। एंड अगर आपको जो भी लेक्चर्स चाहिए जितने भी जब सब्जेक्ट्स को आप साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो भी आप जैसे फार्माकोलॉजी तो हमने स्टार्ट कर ही दिया है ऑलरेडी, एंड जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो आप क्या चूज करना चाहते हैं इन सभी फोर्थ में से जो आपके हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट इन फार्मेसी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।